जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृत की में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़ी अनेक कहानियाँ और उनके पात्रों के बारे में हम सभी ने सुना है कि कैसे उन्होंने धर्म रक्षण के कार्य में भगवान श्री राम की सहायता की थी और किस प्रकार वे भगवान के सबसे प्रिय बन गए। ऐसे ही रामायण में हमें संपाति व जटायु नामक दो पक्षियों का वर्णन मिलता है जो गिद्ध जाति से संबंधित थे। रामायण में इन दोनों का बहुत अधिक वर्णन तो नहीं है, किंतु फिर भी जटायु का वर्णन हमें प्रमुखता से मिलता है। संपाति का वर्णन हमें केवल सीता संधान के समय ही मिलता है, किंतु फिर भी उनकी कथा बहुत प्रेरणादायक है। तो आज हम इन दोनों भाइयों में से ज्येष्ठ संपाति के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। परमपिता ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि हुए, जो कि सप्तऋषियों में से एक थे। उन्होंने कर्दम प्रजापति की पुत्री कला से विवाह किया, जिनसे उन्हें महर्षि कश्यप पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। महर्षि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह किया और उन्हीं के पुत्रों से समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप के वंश के बारे में हम विस्तार से चर्चा अपने पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। महर्षि कश्यप की एक पत्नी थी वनिता, जिन्होंने अपने पति से पुत्र प्राप्ति की याचना की। तब महर्षि कश्यप ने उनसे पूछा कि उन्हें कितने पुत्र चाहिए। तब उन्होंने केवल 2 प्रतापी पुत्रों की कामना की। समय आने पर वनिता ने 2 अंडों का प्रसव किया, किंतु 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन अंडों से किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। तब अधीरता दिखाते हुए वनिता ने उसमें से एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से एक विशाल काय पक्षी निकला, किंतु उसका शरीर अभी आधा ही बना था, शेष आधा शरीर अभी तक अविकसित था। तब उन्होंने अपनी माता के अनुचित कृत्य के बारे में रोष दिखाते हुए कहा कि उन्होंने समय से पहले ही उसे अंडे से निकाल दिया, जिससे उनका आधा शरीर दुर्बल रह गया, किंतु अब वह यह भूल दूसरे अंडे के साथ कदापि ना करें। महर्षि कश्यप ने उन्हें अरुण नाम दिया और वे सूर्य नारायण की तपस्या करने चले गए। अपने पुत्र की बात ध्यान रखते हुए विनिता ने दूसरे अंडे को सहेज कर रखा और समय बीतने पर उससे एक महापराक्रमी पक्षी की उत्पत्ति हुई। अरुण के उस छोटे भाई का नाम गरुण रखा गया। उधर अरुण ने अपनी घोर तपस्या से सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया। जब उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा तो अरुण ने सूर्य नारायण का सारथी होने का वरदान मांगा। सूर्य देव ने तथास्तु कहा और अरुण ने उनके सारथी का पद ग्रहण किया। समय आने पर अरुण का विवाह श्रेणी नामक कन्या से हुआ, जिनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, संपाति और जटायु। इस प्रकार अरुण से गिद्ध और गरुण से गरुण जाति की उत्पत्ति हुई। युवा होने पर एक बार संपाति और जटायु में प्रतिस्पर्धा लगी कि दोनों में से कौन सूर्य को छू सकता है। उसके पीछे उनकी अपने पिताश्री के दर्शनों की भी अभिलाषा थी। तब दोनों भाइयों ने सूर्य तक दौड़ लगाई। जैसे जैसे वे सूर्य के निकट पहुंचे, वैसे वैसे ही सूर्य के ताप से उन्हें पीड़ा होने लगी, किंतु फिर भी दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार न हुआ। किंतु सूर्य के थोड़ा और निकट जाने पर दोनों के पंख जलने लगे। तब अपने भाई को बचाने के लिए संपाति ने अपने पंखों से उसे ढक लिया। इससे जटायु तो बच गए, किंतु संपाति के दोनों पंख पूरी तरह जल गए और वे समुद्र तट के निकट विंध्य पर्वत पर जा गिरे। पंख जल जाने और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण संपाति 6 दिनों तक अचेत रहे। चेतना आने पर सूर्य के ताप से बचने के लिए वे किसी प्रकार कंदरा में पहुंचे, जहां उनकी भेंट निशाकर नामक एक सिद्ध ऋषि से हुई। कहीं कहीं इन ऋषि का नाम चंद्र भी बताया जाता है। निशाकर ने अपनी सिद्धि से संपाति को उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाई और कहा कि भविष्य में पुनः पंख उग आएंगे, किंतु अभी उन्हें अपने पंखों से रहित इसी समुद्र तट पर रहना होगा, क्योंकि भविष्य में उन्हें श्री हरि के अवतार का एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। तत्पश्चात संपाति वहीं समुद्र तट पर रहने लगे।
और जटायु पंचवटी में जाकर बस गए। बहुत समय के बाद जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी आए तो जटायु उन्हीं के निकट रहने लगे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब जटायु अति वृद्ध होने के बाद भी रावण से उन्हें बचाने के लिए लड़े, किंतु अंततः उसके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए और बाद में श्री राम ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। रामायण में संपाति की पत्नी का वर्णन तो नहीं है, किंतु कुछ स्थानों पर उनके पुत्र सुपाशर्व का वर्णन आता है। क्योंकि संपाति पंख रहित थे और उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनके पुत्र सुपाशर्व भी अपने पिता के साथ रहने लगे। वही अपने पिता के लिए भोजन, जल इत्यादि की व्यवस्था करते थे। एक दिन सुपाशर्व बहुत देर तक अपने पिता के पास नहीं आए और ना ही उनके भोजन के लिए कोई व्यवस्था कर पाए। इस पर क्रुद्ध होते हुए संपाति ने सुपाशर्व से पूछा कि उन्होंने भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की। तब सुपाशर्व ने उन्हें बताया कि आज उन्होंने एक राक्षस को आकाश मार्ग से एक स्त्री का हरण करके ले जाते हुए देखा। उसे देखने में ही इतना विलंब हो गया और भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाया। तब संपाति को समझ आ गया कि उसकी मुक्ति का समय निकट आ गया है। कुछ काल बाद जब अंगद के नेतृत्व में वानर सेना माता सीता को खोजने दक्षिण दिशा में गई तो वहीं उनकी भेंट संपाति से हुई। उन्होंने संपाति को उनके छोटे भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया, जिसे सुनकर उन्हें अपार दुख हुआ। जब दामवंत और हनुमान ने उनसे सहायता मांगी तब संपाति ने ही अपनी दूरदृष्टि से देख कर वानरों को बताया कि माता सीता को रावण इस 100 योजन समुद्र के पार लंका लेकर गया है। तब हनुमान ने समुद्र पार कर उनका पता लगाया। कुछ स्थानों पर ऐसा भी वर्णन है कि संपाति ने ही वानरों को समुद्र पार कर माता सीता का पता लगाने के लिए उत्साहित किया था। कुछ ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन है कि संपाति उसी समुद्र तट पर राम नाम लेते लेते मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु वाल्मीकि जी की रामायण में ऐसा वर्णन है कि माता सीता का पता लगाने के बाद ऋषि निशाकर के कथनानुसार संपाति के लाल रंग के 2 विशाल पंख उग आए और वे वहां से उड़ गए। इस प्रकार अरुण के दोनों पुत्र संपाति एवं जटायु श्री राम की सहायता कर इतिहास में अमर हो गए। तो दोस्तों, ये थी कथा संपाति की, जिन्होंने माता सीता का पता लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। अरुण के छोटे पुत्र जटायु के बारे में विस्तार से चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।